दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इलेजी पे कुछ महत्वपूर्ण MCQs का डिस्कशन करेंगे जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं और आज का आपका पहला सवाल है कि द टोन ऑफ एन इलेजी इज। दोस्तों किसी भी इलेजी का जो टोन होता है वो क्या होता है? ह्यूमरस होता है, प्रेजिंग होता है, या मॉर्नफुल होता है, या एंग्री होता है। तो दोस्तों किसी भी इलेजी का जो टोन होता है वो मॉर्नफुल होता है। याद रखिएगा ये एक लेमेंटेशन है, ये न तो एक ह्यूमरस एक हास्यप्रद कविता न है, न ही किसी की प्रशंसा है, और न ही ये क्रोध को व्यक्त करता है। ये आपके सैडनेस को, डिप्रेस को, दुख को, ग्रीफ को व्यक्त करता है किसी के मृत्यु पर। दोस्तों प्रेजिंग पे जो कविता लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा, आगे के सेशन में हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि अन इलेजी इज कंसिडर्ड एज अ डैश डैश। दोस्तों इलेजी को क्या समझा जाता है? ह्यूमरस पोएट्री, डिप्रेसिंग पोएट्री, एंग्री पोएट्री, या मोटिवेटेड पोएट्री? तो दोस्तों इलेजी को याद रखिएगा एक डिप्रेसिंग पोएट्री समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेजी को क्या समझा जाता है? एक डिप्रेसिंग पोएट्री समझा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि अन इलेजी इज अ डैश डैश हिस्टोरिकल पोएम, सॉन्ग्स ऑफ लेमेंटेशन, शॉर्ट स्टोरी, या पोएम ऑन मैरिज, कि मतलब एक ऐतिहासिक कविता है, या विलाप का एक गीत है, या एक छोटी सी कहानी है, या शादी पर एक कविता है। तो दोस्तों इलेजी क्या होता है? सॉन्ग्स ऑफ लेमेंटेशन होता है, एक विलाप है जिसे लिरिक्स भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है कि विच इज अ मॉर्नफुल लिरिक, सोनेट, ओड, एपिक, या इलेजी? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेजी। याद रखिएगा सोनेट एक कविता होता है जो 14 लाइन्स का होता है, ओड जो होता है एक प्रेज सॉन्ग है, एक प्रेज पोएम है, इपिक एक महाकाव्य है, इलेजी एक शोक गीत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 4 का D। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये UPTGT में पूछा गया सवाल है कि द बेस्ट इलेजी कैरेक्टराइज्ड बाई, जो सबसे अच्छा आपका इलेजी है उसकी विशेषता क्या होती है? यह पर्सनल सौरव होता है, मतलब एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत सौरव से मानव जाति के दुख तक होता है, या एक सौम्य उदासी होती है, या एक डिग्निफाइड एंड सोलेम इन टोन होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। दोस्तों आपका जो इलेजी होता है वो पर्सनल भी होता है और मैनकाइंड पे भी हो सकता है, एक से अधिक लोगों के लिए हो सकता है। इसमें क्या है? मेलनकोली होता है, उदासीनता होता है, दुख होता है। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आपका डी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला आपका सवाल है कि द इलेजी एस्ट्रोफेल इज अबाउट, एक इलेजी है एस्ट्रोफेल, ये किसके बारे में है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, एस्ट्रोफेल किसके बारे में है? ऑप्शन है अबाउट द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, या द डेथ ऑफ विलेजर्स, या द डेथ ऑफ सर रिचार्ड, या द डेथ ऑफ किड्स। तो एस्ट्रोफेल जो है वो है आपके अबाउट द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। याद रखिएगा जो आपका एस्ट्रोफेल है यह एक पास्टोरल इलेजी है। ठीक है दोस्तों, कैसा इलेजी है? यह एक पास्टोरल इलेजी है और इट वॉज रिटेन ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। यह सिडनी के मृत्यु पर लिखा गया था। ठीक है, और जो डाइड हु डाइड इन सिडनी की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? 1586 में हो गई थी। याद रखिएगा सर फिलिप सिडनी की मृत्यु हो गई थी 1586 में। अब सवाल है कि ये आपका जो है एस्ट्रोफेल किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट सवाल है कि एस्ट्रोफेल जो आपका पोएम है इसको किसने लिखा है? ये जो आपका पोएम एस्ट्रोफेल दिखाई दे रहा है इसको लिखे हैं एडमंड स्पेंसर।
एडमंड एस्पेंसर। दोस्तों इलेजी पे एक मेरा कंप्लीट वीडियो है जो इसके पहले हम अपलोड किए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, तो इन सारे सवालों का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे पाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ए ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। और पूछा जाए तो किसने लिखा है, तो एडमंड स्पेंसर। दोस्तों बेहतर रहेगा कि एक बार आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दें। अगला सवाल है आपका कि टेनिसन इन मेमोरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक इलेजी है जिसका नाम है इन मेमोरियम। यह किस प्रकार के इलेजी का एग्जाम्पल है, इम्पर्सनल इलेजी, पर्सनल इलेजी या पास्टोरल इलेजी या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों 7th का आपका करेक्ट आंसर होगा पर्सनल इलेजी। दोस्तों आप जानते हैं कि इलेजी दो प्रकार का होता है, एक होता है पास्टोरल इलेजी और दूसरा होता है आपका पर्सनल इलेजी। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पर्सनल इलेजी। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो इलेजी है ये किसको डेडिकेटेड है और किसके मृत्यु पर लिखा गया है। तो याद रखिएगा ये लिखा गया है इनके एक मित्र थे, टेनिसन के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था आर्थर आर्थर हेनरी हेलम। क्या नाम था दोस्तों, आर्थर हेनरी हेलम। ठीक है दोस्तों 1835 में इनकी मृत्यु हुई थी और एक पर्सनल ग्राइफ है और लिखा गया था इसको दोस्तों विक्टोरियन एज में। कब लिखा गया था, विक्टोरियन एज में, याद रखिएगा विक्टोरियन एरा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों तो याद रखिएगा इन मेमोरियम कैसा है, तो एक पर्सनल इलेजी है। दोस्तों इलेजी को आप उसके सब्जेक्ट मैटर से पहचानते हैं, इसका कोई मीटर और राइम स्कीम नहीं होता है। अ पास्टोरल इलेजी इज अ लेमेंट ऑफ अ डैश डैश पोएट किंग विलेजर विलेजर या शेफर्ड। दोस्तों एक शेफर्ड होता है जो दूसरे शेफर्ड के मृत्यु पर विलाप करता है और इलेजी लिखता है। ठीक है दोस्तों और शेफर्ड कौन होता है, पोएट हिमसेल्फ, कभी खुद यहाँ पे क्या होता है, एक आपका शेफर्ड होता है। अगला सवाल है कि अन इलेजी रिटन विद अ पार्टिकुलर कन्वेंशन एंड रूरल बैग इज कॉल्ड। दोस्तों किसी विशेष परंपरा और ग्रामीण पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखे गए इलेजी को क्या कहते हैं, द पार्टिकुलर कन्वेंशन, किसी विशेष परंपरा और ग्रामीण पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर लिखे गए इलेजी को कहते हैं क्या दोस्तों। ऑप्शन है इम्पर्सनल इलेजी, पर्सनल इलेजी, पास्टोरल इलेजी या नॉन ऑफ दीज। तो पास्टोरल इलेजी कहा जाता है। दोस्तों ज्यादा डिटेल्स के लिए आप एक बार वीडियो को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, जो हमारा इलेजी पे डेडिकेटेड एक फुल वीडियो है। अगला सवाल है दोस्तों कि मिल्टन्स लिसीदास इज डैश डैश अ लिरिक अ सोनेट अ पास्टोरल इलेजी या अ पर्सनल इलेजी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिल्टन का जो लिसीदास है एक पास्टोरल इलेजी है और दोस्तों इसको मिल्टन अपने कैम्ब्रिज फ्रेंड किंग एडवर्ड के डेथ पे लिखे थे, एडवर्ड किंग। ठीक है दोस्तों एडवर्ड किंग के मृत्यु पर लिखे थे और याद रखिएगा दोस्तों ये क्या है, एक पास्टोरल इलेजी है। दोस्तों आपके परीक्षा में ऐसे ही सवाल रहेंगे कि इससे डायरेक्ट जब भी इलेजी का सवाल आएगा दोस्तों तो ये जो आप सेशन देख रहे हैं संभवतः इसके बाहर से नहीं आना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही आसान है कि इलेजी इज सेड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। इलेजी जो है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, ग्रीक से, लैटिन से, इटली से या फ्रेंच से। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक। याद रखिएगा जो आपका वर्ड इलेजी है यह एक ग्रीक वर्ड इलोगस से आया है। किससे आया है दोस्तों, इलेगोस से आया है। ठीक है दोस्तों और इसका अर्थ होता है सॉन्ग्स ऑफ लेमेंटेशन। क्या अर्थ होता है, सॉन्ग्स ऑफ लेमेंटेशन, ठीक है, या मॉर्म, लेमेंटेशन या मॉर्म इसका अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों तो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है इलेगोस। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि सेली रोट अ पास्टोरल इलेजी ऑन द डेथ ऑफ किट्स, व्हाट इज इट्स टाइटल। दोस्तों सेली जो है एक पास्टोरल इलेजी लिखते हैं अपने दोस्त जॉन किट्स के मृत्यु पर, उसका टाइटल क्या है, थायरेसिस, एडोनिस,
लिसिडास इंडोमियन। दोस्तों अभी आप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लिसिडास को कौन लिखे हैं, जॉन मिल्टन लिखे हैं, ठीक है दोस्तों। और यह एक पास्टोरल इलेजी है। और थायरिसिस को लिखने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, मैथ्यू आर्नोल्ड। दोस्तों जो मैथ्यू आर्नोल्ड है ये लिखे हैं अपने दोस्त, उनका नाम दोस्तों क्या है आप पहले के सेशन में कवर कर चुके हैं, अगर ध्यान हो और सेशन को दोस्तों आप देखे हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो ये जो थायरिसिस है इसके रचनाकार है मैथ्यू आर्नोल्ड, ये अपने दोस्त आर्थर ह्यू क्लब के मृत्यु पर लिखे थे। नोट कर सकते हैं आर्थर ह्यू क्लब के मृत्यु पर लिखे थे। और इंडोमियन जो है दोस्तों यह एक पोएम है, लिखे हैं इसको जॉन किट्स, जॉन किट्स इसको लिखे हैं। तब आपके एक ही ऑप्शन बचता है एडोनिस। और 13 नंबर सवाल का दोस्तों करेक्ट जवाब होगा एडोनिस। याद रखिएगा कि एडोनिस एक पास्टोरल इलेजी है और इसको लिखा गया था जॉन किट्स के मृत्यु पर, और किसने लिखा था तो सेली लिखे थे। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल है आपका कि अन इलेजी गिव्स एक्सप्रेशन टू अ फीलिंग ऑफ जॉय, सेंस ऑफ लॉस, फीलिंग ऑफ विक्ट्री या सेंस ऑफ डिफीट। तो दोस्तों ये आपका इलेजी न तो खुशी के लिए लिखा जाता है, नहीं विजय के भावनाओं को लिए लिखा जाता है, और नहीं हार के भाव के लिए लिखा जाता है। ये तो एक लॉस को शो करता है, एक ग्राइव को शो करता है, एक लेमेंटेशन है, एक मॉर्निंग पोएम है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आज का दोस्तों आखिरी सवाल है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर दोस्तों अवश्य करिएगा। आखिरी सवाल है कि अन इलेजी इज अ पोएम रिटन, इलेजी एक कविता होता है जिसको लिखा जाता है इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड, किसी के याद में जो मर चुका है, या इन द प्रेज ऑफ गॉड ईश्वर की प्रशंसा में, या टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग फॉर आवर लव, या अपनी भावनाओं को अपने प्यार के लिए अभिव्यक्त करने में, या किसी शादी का सेलिब्रेशन करने में, सेलिब्रेट करने में। तो दोस्तों इसी सेशन पे हम लोग इसी पॉइंट पे हमारा दो सेशन समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब आप बहुत ही आसानी से दे पाए होंगे। 15 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ए। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।